जमुई जिले के 30वें स्थापना दिवस एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में जमुई के श्री कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रभात फेरी से हुई, उसके उपरांत स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम के आयोजक जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह थे। आज के दिन से फिर एक नई बात होगी कि विकास के लिए, जिले के विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज दिनांक 21 फरवरी को जमुई जिले का स्थापना दिवस है। 21 फरवरी 1991 को जिले की स्थापना हुई थी, साथ ही आज श्रद्धेय श्री कृष्ण सिंह की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर हम उनको सशत नमन करते हैं, उनको कोटि कोटि श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, साथ ही यह संकल्प लेते हैं कि उनके बताए गए पद चिन्हों पर चल करके और उन्होंने जो उच्च आदर्शों के मानदंड खड़े किए उनका अनुसरण करके जमुई जिले के सर्वांगीण विकास के लिए हम सदैव कर संकल्पित रहेंगे। इस हेतु मैं अपेक्षा करूंगा सभी हमारी सम्मानित जनता से, सभी मीडिया के बंधुओं से, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से कि आप आगे आएँ और जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से जमुई जिले को न केवल संपूर्ण बिहार राज्य में बल्कि पूरे देश में अग्रणी जिला बनाने के लिए हम सभी का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बधाई देते हुए विकास के लिए हम सहयोग करेंगे और आप जानते हैं कि जब अपराध नियंत्रण होता है तो विकास दुगुनी गति से होता है, तो ऐसे स्थिति में हम जिला पदाधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जिससे ये जिला विकसित हो, पूरा बिहार विकसित हो। धन्यवाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुमित सिंह ने कहा कि जिले का विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह के बारे में बताया कि अंग्रेजों के जमाने में उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह पर जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर अंग्रेजों द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। लोग विकास पुरुष के नाम से जानते थे, महान समाजवादी। मैं उनका पौत्र हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और बहुत कुछ वो जब उनकी मृत्यु हुई थी 86 में, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे बहुत कुछ याद भी नहीं है उनके बारे में, बस सुनता रहता हूं। कभी भी क्षेत्र में, इलाके में जब कहीं कोई दुर्गम इलाका हुआ करता था, जहां मैं जाता था, जहां पे लोग बताते थे 2013 तक का समय ऐसा हुआ है कि मुझे चरका पत्थर इलाके में नहीं जाने दिया जाता। हम विधायक भी बन गए लेकिन चरका पत्थर नहीं जा पाते। सिमुलतल्ला का इलाका पड़ता है तेलवा, ये सब इन इलाकों में हम नहीं जा पाते क्योंकि हम जाना भी चाहते थे, प्रोग्राम भी बनाते थे, तो उस वक्त के जो पुलिस पदाधिकारीगण होते थे वो मना कर देते थे कि नहीं, आप नहीं जाएंगे। खतरा भी था, स्वाभाविक भी है। एक नहीं, 9-9 नए थाने का सृजन और उसका प्रस्ताव हमने विधानसभा में रखा था और 9 नए थाने का सृजन हमने अपने जिले में करवाया। ये इसलिए कि ये जिला सुरक्षित रहे। ये जिला तो इतना स्वच्छ है कि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सिमुलतल्ला में स्वामी विवेकानंद जी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आया करते। मैं ये बात जान के बोल रहा हूं, इन बातों को सुनना होगा। नौजवान मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं भी नौजवानों से जुड़ना चाहता हूं कि आखिर मैं यहाँ पहुंचा तो कैसे पहुंचा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, ये कारण मैं भी अपने दादाजी को अनुसरण करता था। ये सौभाग्य है कि मैं उनका पौत्र हूं और अनुसरण करने के लिए मुझे उनकी कहानी, हर दिन मुझे कुछ नई कहानी सुनने को मिलती थी। जब चरका पत्थर जाने के लिए मना किया जाता था, मुझे याद है उस समय झाझा के जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुआ करते थे, जब मैं उधर बढ़ा तो उन्होंने कहा कि लिसनिंग पे आ रहा है, उग्रवादी उधर घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आज मत जाइए। लेकिन कई एक बार ऐसा हुआ, हम जब प्रोग्राम बनाते थे और हमको अंत में कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ता था, उस दिन हमने ठान लिया आज चाहे जो हो जाए, आज मौत को भी गले लगाना पड़ेगा तो मैं गले लगाऊंगा, लेकिन आज मैं अपनी क्षेत्र के जनता से दूर नहीं रहूंगा। और मैं अपनी क्षेत्र के जनता के पास गया, उस वक्त चरका पत्थर चौक पे मतलब अंधेरा छाया रहता था। फिर तत्कालीन उस वक्त के SP 12 में ही आए थे, उपेंद्र शर्मा, काफी अच्छा सहयोगात्मक हम लोग का रवैया रहता था। कभी हम लोग साथ में बाहर पढ़ाई के समय भी मिला करते थे, तो हम लोगों की एक दूसरे से जान पहचान थी। हमने उनसे एक अनुरोध किया कि चरका पत्थर में कैंप खोलना चाहिए और ये यहाँ के लोगों के, ना सिर्फ सरकारी खर्च से, यहाँ के लोगों के खर्च से,
लोगों ने चंदा दिया वहां पे, तब जाकर कैंप बना है। और वो कैंप आज जब खड़ा है, आप देख रहे हैं वो नक्सलियों की रेड टूट गई। और अब तो पीके मंडल जी भी हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। और हम सराहना करते हैं किस तरह से जो काम होता रहेगा, निश्चित तौर पे चकाई जमुई जो हमारा पूरा जिला है यह विकसित होगा। यह पर्यटक के क्षेत्र में काफी यहाँ असीम संभावनाएं हैं। धर्मस्थल पे आप देख लें, झुमराह स्थान है, पत्नेश्वर धाम है, धनेश्वर नाथ है, गिद्धेश्वर नाथ है, कई एक जगह ऐसे हैं, लछुआर है, अपने यहाँ अमृत के मजार है, कई एक जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, लोगों को मतलब वहाँ पे बुला सकते हैं। और पर्यटन के अब तो काफी संसाधन हैं, यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, अच्छे अच्छे होटल, इन सब की शुरुआत हो गई, अच्छे प्रतिष्ठान की शुरुआत हो गई है। अब जम्मू किसी चीज में पिछड़ा नहीं रह गया, और जम्मू में क्या कुछ नहीं हुआ। मैं तो आज कैबिनेट में शामिल हुआ, और ये सौभाग्य है कि नीतीश जी के कैबिनेट में मेरे पिता भी शामिल थे और मुझे भी शामिल होने का अवसर हुआ है। और मैं अपने दादाजी की तीसरी पीढ़ी हूँ कि लगातार ये भी एक इतिहास है कि मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के बाद मैं कैबिनेट का सदस्य हुआ हूँ। ये गौरवशाली क्षण था उस वक्त जब मैं शपथ ले रहा था इस इलाके में, जब मेरे पिताजी कैबिनेट में थे उस वक्त इन्होंने अमृत में जो। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह ने भी स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला और जिले में करप्शन को खत्म करने के लिए सभी जिले वासियों को आगे आने को कहा। अध्यक्षता भी उन्हीं के हाथ में, सुमित कुमार सिंह आपके चहेते, आपका बेटा, आपका पोता, बिहार सरकार का मंत्री, सौभाग्य से मेरा पुत्र भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आज हैं। इसके मुख्य आयोजक तो हैं जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी उपाधीक्षक और सभी सरकारी विभागों के पदाधिकारीगण, आपके दूसरे चहेते। जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप ने कार्यक्रम में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने अंग्रेजों के 9 थानों को आग के हवाले कर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत उनसे खौफ खाती थी। हम सब ने देखा कि जम्मू इसने कैसे आगे बढ़ रहा है, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपनी ओर से, अपने पिता की ओर से, अपने अनुज सुमित कुमार की ओर से, कि हम सब मिलकर। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में फैली बुराई को खुद से खत्म करना होगा। जमुई जिला स्थापना दिवस और स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर हमें अपने अंदर 2 बुराइयों को त्यागने का प्रण लेना चाहिए, तभी हम अपने जिले और समाज को बेहतर बना सकते हैं। उसको कुछ संस्कार देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़े। सरकार के जो बहुत ही जन कल्याणकारी उपयोगी कार्यक्रम हम सभी के सामने हैं, उसको किस प्रकार से हम आत्मसात करें, क्योंकि सरकार का कोई भी कार्यक्रम आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। सरकार का काम है नीति बनाना, प्रशासन का काम है उसे लागू करवाना, लेकिन हम लागू करने में तब तक पूर्ण सफल नहीं हो सकते जब तक हमें आप। इस मौके पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल द्वारा राष्ट्रीय गीत की शानदार प्रस्तुति दी गई, एवं चकाई के ग्रामीण क्षेत्र से आए आदिवासी स्कूली बच्चों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य कर कार्यक्रम को और शानदार बना दिया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्टॉल लगाए गए, जिसमें कई स्वयं सहायता समूह और जमुई के प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग अलग तरह के स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक करते दिखे।
इस कार्यक्रम में जमुई जिला अधिकारी अवनीश कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक जमुई अजय प्रताप, झाझा विधायक दामोदर रावत, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल, SDM प्रतिभा रानी, जमुई सदर DSP डॉ. राकेश कुमार एवं जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, जिले के गणमान्य लोग एवं हजारों की संख्या में जिलावासी मौजूद थे। ये साक्षी है, इनका भी योगदान है। यहाँ चाहे मेडिकल कॉलेज खुला, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हुआ, पॉलिटेक्निक बना, ITI बनी।